फतेहाबाद में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशानुसार जिला पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने जहां एक और नशे की लत में पड़े लोगों की पहचान कर उन्हें नशा छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नशा तस्करों को जेल में डालने का काम भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। एसपी द्वारा नशा तस्करों की किसी भी कीमत पर बकसने और तस्करी के अवैध धंधे से जुड़े बड़े तस्करों की धरपकड़ के लिए सख्त निर्देशों के तहत सीआईए फतेहाबाद व एंटी नारकोटिक पुलिस ने दो अलग अलग स्थानों से 3 किलो से अधिक अफीम बरामद कर 3 युवकों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़ी गई अफीम की कीमत 6 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित थाना में एनडीपीएक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आज उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया। डीएसपी शुक्रपाल ने मामलों की जानकारी देते हुए बताया कि पहले मामले में एंटी नारकोटिक सेल फतेहाबाद पुलिस की टीम ने नेशनल हाईवे पर गांव डांगड़ के समीप गश्त के दौरान कार सवार 2 युवकों को 1 किलो 540 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों ने अपने नाम भैरूवाल निवासी मंगलवाड़ जिला राजस्थान व उगमालाल रावत निवासी गणेशपुर अजमेर बताया। एंटी नारकोटिक सेल फतेहाबाद की टीम एसआई मेजर के नेतृत्व में गश्त के दौरान नेशनल हाईवे पर गांव डांगड़ के समीप नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान हिसार की तरफ से कार आई, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो कार सवार युवक घबरा गया और कार को वापस मोड़कर सर्विस रोड पर भगाने लगे। शक के आधार पर पुलिस ने उनका पीछा कर उन्हें काबू कर लिया। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो ड्राइवर सीट के नीचे छुपाकर रखी 1 किलो 540 ग्राम अफीम बरामद हुई। दूसरे मामले में फतेहाबाद पुलिस ने रतिया क्षेत्र में एक युवक को 1 किलो 510 ग्राम अफीम और 500 ग्राम डोडा पोषक सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान आदिश कुमार मॉडल टाउन रतिया निवासी के तौर पर हुई है। ये नशे के खिलाफ हमारे सीनियर अधिकारियों ने एक अभियान चलाया हुआ है कि नशे को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही किसी भी सूचना आने पर नहीं बरती जाएगी। हमारे पास सूचना आई थी, गुप्त सूचना, कि ऐसे ऐसे एक आदमी नशे के कारोबार में संलिप्त है और उसके यहाँ अगर रेड कर दी जाए तो काफ़ी सामान वहाँ पर मिल सकता है, अफीम की ये सूचना थी। मौके पर हमारी टीम गई और जाके जब तलाशी ली तो तलाशी के दौरान जो सूचना थी, सूचना के अनुसार तलाशी ली गई और उसमें 1 किलो 510 ग्राम अफीम मिली है, जिसमें पर्चा दर्ज कर दिया हमने। एक दूसरा मामला और भी सामने आया फतेहाबाद। हाँ, ये फतेहाबाद सदर एक तो ये जो पहले वाला मामला मैंने आपको बताया अभी, ये है सिटी रतिया थाने का मामला, जिसमें ये 1.5 किलो अफीम जो है पकड़ी है और जिसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है। एक है सदर थाना फतेहाबाद का, न्यू हाईवे होटल है एक, वहाँ उसके पास हिसार की साइड से एक ऑल्टो गाड़ी आ रही थी, वो पुलिस का नाका हमारा लगा हुआ था। नाके को देख के जो गाड़ी में जो लोग बैठे थे, 2 बंदे, उन्होंने गाड़ी को एकदम मोड़ दिया रॉन्ग साइड में, तो फिर उनके पीछा करके पुलिस ने जो है हमारे मुलाजिमों ने उनको पकड़ा और पकड़ा तो तलाशी ली तो करीब 1.5 किलो जो है अफीम वहाँ भी मिल गया। 2 पर्चे हमने एक ही दिन में कल दर्ज किए। क्या लग रहा है सर, इनको जो सप्लायर है, एक ही सप्लायर हो सकता है दोनों का? ये तो 33 का मामला है, ये अभी कहना मुश्किल है सप्लायर एक ही हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक हो भी सकता है, एक नहीं भी हो सकता है। इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे और रिमांड पे भी ले जा सकते हैं इनको? लिया जा सकता है, नहीं लेंगे ही, रिमांड पे लेंगे और इसकी जड़ तक इनका कौन सप्लायर है और कहाँ कहाँ उनके कनेक्शन से कहाँ कहाँ वो सप्लाई करता है और कौन कौन लोग इसमें मिले हुए हैं, सबको हम जो है बेनकाब करेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। चिट्टे जैसा नशा है पंजाब रास्ते से आता है, दिल्ली से लाकर राजस्थान, पंजाब से लाकर हरियाणा के 2 ही जिले हैं, सिरसा और फतेहाबाद, जिनमें उनकी ज़्यादातर एंट्री होती है जी। इसको लेकर भी कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि इंटरसिटी नाके हैं, वहाँ पे नाके नहीं होते, उसको लेकर कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा खासकर रतिया में? हाँ, उठाया जाएगा। हमारा जो रतिया में खासतौर से जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको हम और मजबूत करेंगे, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है
उसको साथ टाइप करके हमारा जो पुलिस का इंटेलिजेंस है और ह्यूमन इंटेलिजेंस जो सिविलियंस का जो इंटेलिजेंस है उसके साथ कोलेब्रेशन करके हम इसमें और उसको इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत बनाएंगे, खास तौर से बॉर्डरिंग एरिया जो बॉर्डरिंग एरिया है उन पे, और इसमें जो भी सप्लायर है जो भी इसके पीछे लोग हैं सबके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में नशा तस्करों पर और भी बड़ी रेड की जाए? हाँ, रेड लगातार करेंगे हम, और बड़ी और छोटी का सवाल नहीं है यहाँ, चाहे रेड छोटी हो बड़ी हो, अफीम नशा एनडीपीएस का कुछ भी मटेरियल मिलेगा, चाहे कम हो ज़्यादा हो, हम नहीं छोड़ेंगे किसी को।